Okay guys, so my name is Raju and today we are going to see the first program in Java language. Okay, so question is, write a program to print hello वर्ल्ड. सो हम लोग बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम देखने वाले हैं जावा में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए, ठीक है. बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि जावा है क्या, ठीक है. थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में इसको देखते हैं. सो बेसिकली एक जावा क्या है, एक लैंग्वेज है, ठीक है. व्हाट इज जावा? जावा इज़ ए लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होता है? सपोज अगर किसी ह्यूमन को, ठीक है, किसी इंसान को अगर किसी दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करना हो, बात करना हो, तो ये दोनों कैसे बात करेंगे आपस में? दैट्स ऑब्वियस बात है, किसी ना किसी लैंग्वेज में बात करेंगे. वो इंग्लिश कोई भी, वो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है. इट कैन बी हिंदी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज. ठीक उसी तरीके से सपोज अ ह्यूमन वांट टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर. इस पर ड्रॉ अच्छे से नहीं हो रहा है, समझ जाना, ठीक है. अ ह्यूमन वांट टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर, तो कोई ह्यूमन कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करेगा? इज इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इन इंग्लिश और हिंदी? क्या हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज में? अब मे बी कोई बोले कि हाँ सर करते तो हैं, गूगल पे लिखते हैं या ओके गूगल का यूज करते हैं. तो बेसिकली वहाँ पे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते हैं, वो हम किसी वेब ऐप से या वेबसाइट से या किसी एक एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर, दैट हार्डवेयर थिंग. ओके, सो कर सकते हैं? नहीं कर सकते. फॉर दैट वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. उसके लिए हमें ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो दोनों को समझ में आए, हमारा जो ह्यूमन है उसको भी समझ में आए और जो हमारा कंप्यूटर है इसे भी समझ में आए, ठीक है. तो ऐसे जितने भी लैंग्वेजेज हैं जो दोनों को समझ में आते हैं, ह्यूमन को भी कंप्यूटर को भी, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, और कंप्यूटर लैंग्वेज. तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जैसे जावा है और पाइथन का नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा. पाइथन है, पीएचपी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं. सी है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है. ओके, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं. तो हम कौन सा लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं? जावा. फाइन, सो क्लियर हो गया. जावा एक लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम का मतलब, सपोज हम कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? अगर कंप्यूटर से हमें कोई काम करवाना है, जैसे सपोज़ वी वांट टू से, मैं कंप्यूटर से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम अपने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाओ. ओके, मुझे कंप्यूटर से बोलना है अपने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाओ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को लिख के देना पड़ेगा कि भाई तुम अपने स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाओ. तो इंस्ट्रक्शन मैं किस लैंग्वेज में लिख के दूंगा? कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? जावा. हम जावा पढ़ने वाले हैं, तो जावा लैंग्वेज में ये चीज़, ये इंस्ट्रक्शन मैं कंप्यूटर को लिख के दूंगा कि तुम अपने स्क्रीन पे क्या प्रिंट करो? हेलो वर्ल्ड. सो द इंस्ट्रक्शन विच वी राइट फॉर द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं लिख के, उसी इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे हमारा सिंपल क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड. यानी क्वेश्चन ये है, हमें कंप्यूटर को ये बोलना है, लिख के इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को, किस लैंग्वेज में? जावा लैंग्वेज में, कि तुम क्या करो? अपनी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो. ठीक है, ये बिल्कुल सबसे सिंपल प्रोग्राम है जावा का, सबसे बेसिक प्रोग्राम. ओके, सो लेट्स राइट दिस प्रोग्राम. सो यहाँ पे अभी बहुत कुछ होगा जो कि समझ में अभी काफ़ी लोगों को नहीं आएगा. ठीक है, अभी प्रोग्राम में मैं बहुत ऐसे टर्म यूज करूँगा जो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगा. तो जिन टॉपिक्स के बारे में या जिन कीवर्ड्स के बारे में मैं बोलूँगा कि इसे बस देख लो और समझ लो, ये बस लिखते हैं या मतलब लिखते हैं, डिटेल में मत जाओ. ठीक है, तो एक तरीके से याद कर लेना. ठीक है, एक्चुअली में वो क्या होता है वो आगे पता चलेगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. जावा में प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं. फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ क्लास इन जावा. नाउ व्हाट इज क्लास? क्वेश्चन ये होता है क्लास क्या है. सो पहले बना लेते हैं. क्लास बनाने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक कीवर्ड यूज करेंगे, सी एल ए डबल एस, क्लास. लोअर केस में होगा पूरा क्लास. फिर इस क्लास का कुछ नाम देंगे. मैं क्लास का नाम दे देता हूँ डेमो.
वी कैन गिव एनी नेम टू द क्लास, कुछ भी नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, डेमो, माई फर्स्ट प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड, यू कैन गिव एनी नेम टू द क्लास, बट द प्रॉपर रूल इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द क्लास नेम मस्ट बी इन अपर केस. सी, डी ऑफ डेमो इज इन अपर केस. ओके, ये हमारे क्लास का नाम हो गया. अब हमें इस क्लास का ब्लॉक डिफाइन करना होगा. ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? मतलब हमारा क्लास कहाँ से कहाँ तक है, हमारे क्लास का एरिया. जैसे लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन, अभी तुम जिस रूम में भी बैठे हो, ठीक है, जिस रूम में भी बैठे हो उस रूम को देखो चारों तरफ. अगर वो रूम एक क्लास है, ठीक है, तो उसका कुछ एरिया डिफाइन है कि नहीं, और कैसे पता चल रहा है कि ये रूम कहाँ से कहाँ तक है? जो हमारे रूम में दीवारें बनी हुई हैं, जो दरवाज़ा है, खिड़की है, उससे पता चल रहा है कि इतने दूर में रूम है, ठीक है, और उस रूम से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उस रूम के अंदर हैं, ठीक है. उसी तरीके से मैंने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम मैंने दे दिया डेमो. अब इस क्लास का मुझे एरिया बनाना पड़ेगा कि ये क्लास कहाँ से कहाँ तक है. टेक्निकली इसे बोलते हैं ब्लॉक बनाना, ब्लॉक क्रिएट करना. तो जावा में हम ब्लॉक बनाते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस की हेल्प से. किससे? ओपनिंग क्लोजिंग, इसको बोलते हैं ओपनिंग ब्रेसेस एंड इसको बोलते हैं क्लोजिंग ब्रेसेस. तो जहाँ से हमारे क्लास का एरिया स्टार्ट होगा, जहाँ से हमारे क्लास का एरिया स्टार्ट होगा वहाँ पे हम ओपनिंग ब्रेसेस लगाएंगे. तो क्लास यूजुअली स्टार्ट होता है क्लास के ठीक नीचे से, तो सी के ठीक नीचे क्लास ब्रेसेस लगाएंगे. फिर क्लास के अंदर जो भी हमें लिखना है, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, क्लास के अंदर हमें जो भी लिखना होगा क्लास के अंदर लिखेंगे, जो भी हमें लिखना है, वट एवर वी वॉन्ट टू राइट इन क्लास. जैसे तुम्हारा रूम है तो रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं ना, तुम्हारा बेड हो गया, टेबल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, एवरीथिंग रिलेटेड विद यू इज इनसाइड योर रूम. ओके, अब जो भी हमें क्लास के अंदर लिखना है लिखेंगे, उसके बाद क्लास को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे. तो अगेन क्लोज कैसे करेंगे, ब्रेसेस से. फाइन, तो ये हमारा क्लास हो गया जो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्लास क्रिएट हो गया. अब हमें जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन लिख के देना है वो इस क्लास के अंदर लिखेंगे. अब कंप्यूटर को हमें जो भी इंस्ट्रक्शन लिख के देना है कहाँ लिखेंगे, इस क्लास के अंदर लिखेंगे. सो सी, इस क्लास के अंदर एक लाइन लिखते हैं, ये लाइन है हमारा पब्लिक पूरा स्मॉल में, देन स्टैटिक वॉइड मेन, देन इन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आफ्टर दैट एआर, यू कैन ऑल्सो राइट एआरजीएस, दैट डज नॉट मैटर, then square bracket open close, then parenthesis close. So this line is known as method or main method. Now अब बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे, भाई ये मेथड क्या होता है, मेन मेथड क्या होता है, what is this public word, what is this static, what is this void, what is this main, what is this string, and why s of the string is capital, and why all the words are in lower case. सो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, कुछ चीज़ें अभी तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी. सो जस्ट रिमेंबर दैट क्लास के अंदर सबसे पहली लाइन हम इसी को यही लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम मेथड बोलते हैं. अब मेथड क्या है भूल जाओ, बस ये जान लो इस लाइन को हम मेथड बोलते हैं, ठीक है. डिटेल में आगे हम लोग मेथड के बारे में बात करेंगे, अभी बस जान लो ये जो लाइन है इसको मेथड बोलते हैं, ठीक है. इसका नाम है मेन, और इसे हम हमेशा क्लास के अंदर लिखेंगे ही लिखेंगे, जब तुम्हारे कोर्स में तो स्पेशली क्लास 9-10 में तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है. उसी तरह पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, बोल जाओ, बस जान लो इसको लिखना ही लिखना है, ठीक. फाइन, एंड केस का ध्यान रखना, जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव? मतलब जो लोअर केस में है वो लोअर केस में ही होना चाहिए, जो कैपिटल में है, जो अपर में है, अपर में ही होना चाहिए. जैसे यहाँ पब्लिक देखो पूरा लोअर केस में है, बट अगर तुमने पब्लिक का पी अपर केस में कर दिया तो एरर आ जाएगा, गलत हो जाएगा. उसी तरह स्ट्रिंग का एस अपर केस में होगा, तो ये सब ध्यान रखना. अब इस मेन मेथड का भी अपना ब्लॉक होता है, यानी एरिया होता है. इसको ऐसे समझो, तुम्हारा रूम है एंड योर रूम हैव सम इट्स ओन एरिया, ओके. अब उस रूम के अंदर अगर कोई टेबल रखा हुआ है या मान लो चेयर रखा हुआ है, और वो चेयर मान लो मेन मेथड है, तो उसने भी कुछ एरिया कवर किया है, राइट. उसी तरीके से ये जो मेन है हमारा, ये जो हमारा मेन मेथड है, इसका भी कुछ क्या होगा, ब्लॉक होगा, एरिया होगा. तो अगेन ब्लॉक कैसे डिफाइन करते हैं, ब्रेसेस की हेल्प से. तो पी के ठीक नीचे ब्रेसेस ओपन करेंगे, फिर उसी तरीके से मेन के अंदर जो भी लिखना है लिखेंगे, जो भी लिखना होगा, क्या लिखना होगा अभी बताऊंगा मैं, जो भी हमें लिखना है मेन के अंदर वो लिखेंगे,
और सब लिखने के बाद पी के ठीक नीचे जहाँ पे मेन का ब्लॉक ओपन किए हैं उसके ठीक नीचे क्लोज कर देंगे। सो सी, क्लास नाइन्थ में इतना तो तुम्हें लिखना ही लिखना है, हर प्रोग्राम में इतना तो तुम्हें लिखना ही है। इसके अलावा जो भी अब लिखना होगा वो कहाँ लिखोगे, इस मेन मेथड के अंदर लिखोगे, इस मेन मेथड के अंदर। मतलब ये पी के नीचे ब्रेसेज हुआ है, वहाँ से शुरू हो रहा है मेन मेथड का ब्लॉक और जो यहाँ क्लोज हो रहा है यहाँ तक, ठीक है, इसके अंदर ही लिखोगे अब जो भी लिखना है। सो फिर से देखो, ये हमारा क्लास है, दिस इज़ आवर क्लास, नेम ऑफ द क्लास इज डेमो, क्लास शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। फिर क्लास के अंदर क्या है हमारा, मेथड है, ये हमारा मेथड है, ठीक है, ये हमारा मेथड, और मेथड शुरू कहाँ से हो रहा है, पी के नीचे जो ब्रेसेज है यहाँ से, और एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो अब जो भी लिखना है हमें मेथड के अंदर लिखेंगे। सो फर्स्ट रिमेंबर दैट, इतना तो हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना है, इसमें कुछ नहीं, इतना तो पहले ही लिख लेना, कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, वन मोर थिंग, अगर किसी के दिमाग में पहले से कुछ चीज़ें हों, जैसे स्कूल में जो बताया जाता है लाइक इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल स्कैनर ऑल दैट थिंग, सब भूल जाओ अभी, वो सारा भूल जाओ। मैं एक एक चीज़ यहाँ पे स्टार्टिंग से बताऊँगा, वो सब जब आएगा मैं बताऊँगा, अभी जो मैं बता रहा हूँ बस वही लिखना है, ठीक है। सो अब हमें कंप्यूटर से जो भी करवाना है, वट एवर टास्क वी वॉन्ट टू गिव टू द कंप्यूटर वी विल राइट हियर इन साइड द मेन मेथड। सो what you have to ask to the computer, what instruction you want to give to the computer, we have to ask to the computer to print hello world, okay। so java mein kuch bhi print karne ke liye hum likhenge, kahan likhenge, main method ke andar। agar hame kuch bhi print karna hota hai computer ke screen pe, to hum likhte hain system system dot out dot print, then in parenthesis open close सेमी कॉलन पैरेंथिसिस के अंदर डबल कोटेशन। अब जो भी हमें प्रिंट करना है यहाँ डबल कोटेशन में लिख देंगे, तुम्हें जो भी प्रिंट करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट, हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, सो विल राइट हेलो वर्ल्ड। और यहाँ अपर केस या लोअर केस से कोई मतलब नहीं है, तुम अपर केस में प्रिंट लिखोगे अपर केस में प्रिंट करेगा, लोअर केस में लिखोगे लोअर केस में प्रिंट करेगा, ये हो गया। सो वी आर डन विथ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। सो रिमेंबर दैट यहाँ क्लास नेम में डेमो का डी कैपिटल होगा, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा और सिस्टम का एस कैपिटल होगा, बाकी पूरा का पूरा प्रोग्राम लोअर केस में, ठीक है। हाँ, यहाँ जो डबल कोटेशन में मैंने लिखा है ये तो तुम चाहे अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लिखोगे प्रिंट कर देगा, फाइन। आई थिंक एक डाउट इसमें और सबको होगा कि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन वाली जो लाइन है, इसके बाद हम मैंने क्या लगाया है, सेमी कॉलन, बट सेमी कॉलन इस लाइन में नहीं है, पब्लिक स्टैटिक में नहीं है, उसी तरह क्लास डेमो इस लाइन में भी सेमी कॉलन नहीं है, तो इसे भी समझ लेते हैं क्यों। सेमी कॉलन इज लाइक फुल स्टॉप इन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट इज द वर्क ऑफ फुल स्टॉप इन इंग्लिश लैंग्वेज? फुल स्टॉप मीन्स दिस सेंटेंस इज कंप्लीट नाउ, द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेक्स्ट सेंटेंस, ओके। फुल स्टॉप का मतलब होता है इंग्लिश में कि सेंटेंस यहाँ एंड हो गया, अब इसका अगले सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से जावा में सेमी कॉलन का मतलब होता है कि ये जो ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पे जहाँ मैंने सेमी कॉलन लगाया है वो टर्मिनेट हो गया। हम कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे क्या हो गया, ये जो सेमी कॉलन आते हैं ये टर्मिनेट हो गया, मतलब अगला इंस्ट्रक्शन हम जो भी लिखेंगे उसका इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ? नाउ सी वन थिंग, दिस इज फर्स्ट लाइन इज आवर क्लास एंड आवर क्लास नेम इज डेमो, क्लास का नाम डेमो है, और फिर यहाँ से ये पहला जो ब्रेसेज है सी के नीचे यहाँ से यहाँ तक लास्ट वाले ब्रेसेज तक क्या है, हमारे क्लास की बॉडी है। सो अगर यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगा देंगे तो कंप्यूटर क्या समझेगा कि ये क्लास का हेड क्लास डेमो ये अलग है और क्लास की बॉडी, ये जो क्लास की बॉडी है ये अलग है, कंप्यूटर एरर दे देगा। मतलब यहाँ पे वही बात हो गई कि किसी को हमने गर्दन से ही काट दिया, ठीक है, तो यहाँ नहीं लगा सकते सेमी कॉलन। उसी तरीके से यहाँ लगा सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड वाली लाइन में, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ भी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी क्या है, इसका बॉडी है, ठीक है। बट सी दिस लाइन पब्लिक स्टेट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इस लाइन के नीचे इसका ब्लॉक है क्या, और बॉडी जो भी बोल लो नहीं है ना इसका कोई ब्लॉक, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, सेमी कॉलन। सो आवर प्रोग्राम इज डन।
नाउ अब इसको रन करके हम आउटपुट देख लेते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को नोटपैड में लिख लेता हूँ। सो सेव एज, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप। और इसको क्या नाम था, डेमो। क्लास, जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से सेव करेंगे। तो क्लास का नाम क्या था, डेमो, डेमो का डी कैपिटल था। और ये जावा प्रोग्राम है तो क्लास नेम के बाद लिखेंगे डॉट जावा। अब मैं रन कैसे कर रहा हूँ इसमें दिमाग मत लगाना तुम लोग, ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा, उसके लिए नेक्स्ट अगला वीडियो में बना दूंगा। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए, हाँ सॉरी, मैंने सेव कर लिया प्रोग्राम को, तो मैं लाया ही नहीं, ये प्रोग्राम यहाँ लिख लेता हूँ, इसको फिर से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तुम पहले यहाँ पे पेस्ट कर लो, फिर सेव करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए कॉन्डा डीएक्टिवेट, सॉरी, इसका कोई मतलब नहीं है, प्रोग्राम से अलग चीज़ है, फाइन। सो प्रोग्राम हमारा डेस्कटॉप पे है, तो पहले हमें डेस्कटॉप पे जाना होगा। अब अभी मैं जो भी कर रहा हूँ उस पर कोई ध्यान मत देना, ठीक है, मे बी बहुत लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। सो जस्ट लीव दैट, सिर्फ प्रोग्राम का आउटपुट देखना। अभी तुम्हें सिर्फ ये वाला पार्ट समझना है, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। ये जो मैं रन करा रहा हूँ, यहाँ यहाँ पे मैं जो भी कर रहा हूँ, ये इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। अब प्रोग्राम को रन करना है, तो रन करने के लिए हम लिखते हैं जावा सी, दिस इज द नेम ऑफ द कंपाइलर, देन डेमो डॉट जावा। लेट मी सी इट इज सेव्ड ऑन डेस्कटॉप और नॉट। Lots of windows are हमारा प्रोग्राम सेव ही नहीं हुआ है डेस्कटॉप पे, वी हैव टू सेव इट अगेन। सो फाइल, देन सेव एज, देन माय डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप। मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते हैं। आई डोंट नो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सेव हो रहा है बट शो नहीं कर रहा है, आई थिंक कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम है। मैं इसको अलग तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ सेव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसे, आई नो थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया। Let's create another folder here. YouTube. और मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। कॉपी, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे रन करना बेसिकली वी एस कोड एक एडिटर है, ठीक है, यहाँ पे रन करना बहुत आसान है। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। अब सी आउटपुट देखना है यहाँ पे, ठीक है। सो जावा सी, प्रोग्राम का नाम क्या है, डेमो, सो डेमो डॉट जावा, एंटर, कोई एरर नहीं है, अभी बता देगा, फाइन, कोई एरर नहीं है। अब जावा, फिर क्लास का नाम क्या था, डेमो। अब देखो जैसे ही एंटर करेंगे आउटपुट आ जाएगा, मैंने एंटर किया आउटपुट आ गया, हेलो वर्ल्ड, ये देखो यहाँ हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ गया, बट ये जो अगली लाइन है उसके ठीक बगल में आ जा रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए क्या तरीका है, यहाँ पे प्रिंट के बाद ln लगा दो। ln क्या करता है, लाइन चेंज करता है, बेसिकली ln का मतलब कंप्यूटर समझता है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद
अब आगे जो भी प्रिंट करना है वो कहाँ करो, अगले लाइन में करो। तो आप मैंने ln लगा दिया, फिर से सेव कर लेते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं, ठीक है, फिर रन करते हैं, देखो आ गया हेलो वर्ल्ड, और बाकी अगला लाइन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम सपोज तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन प्रिंट करना है, ठीक है, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में सपोज हमें, ये मैं कमेंट में कर दे रहा हूँ, अगर कमेंट किसी को ना पता हो सो डोंट वरी अबाउट दैट। सिंपली कमेंट का मतलब ये होता है ए एस फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और फिर एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज, इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा उसको हमारा कंप्यूटर रीड नहीं करेगा, ठीक है, वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता। सो क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर इंट्रोडक्शन। प्रिंट इंट्रोडक्शन में पांच चीज़ प्रिंट करना है, पहला योर नेम, सेकंड योर फादर नेम, थर्ड योर स्कूल नेम, फोर्थ क्लास एंड फिफ्थ रोल नंबर। पांच चीज प्रिंट करना है, ठीक है। तो आते हैं प्रोग्राम में, सेम प्रोग्राम है, इसी में चेंज करते हैं या फिर चलो फिर से लिखते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को हटा देता हूँ, इस प्रोग्राम को हटा देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। सो क्लास बनाते हैं, क्लास क्लास नेम में देता हूँ इंट्रोडक्शन, या डेमो ही रहने देता हूँ क्योंकि फाइल डेमो नाम से ही सेव है, कुछ भी ले सकते हो डेमो। देन क्लास का ब्लॉक बनाऊंगा, ब्रेसेस ओपन क्लोज, फिर क्लास के अंदर मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये देखो सेम चीज़ है, एक यहाँ पे देखना थोड़ा सा अलग है, इससे परेशान मत होना, ये जो है स्ट्रिंग, तो मैं पहले की तरह इसको कर देता हूँ, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या था हमारा स्ट्रिंग ए आर ओपन क्लोज, ठीक है। अब जो भी हमें लिखना है कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे रन और डीबग ये क्या लिख के आ रहा है, ये परेशान मत होना, ये एडिटर खुद अपने आप पुट कर दिया है, ठीक है, अलग चीज़ है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है। सो हमें क्या क्या प्रिंट करना है, पहला पहला नेम, सो सिस्टम, जितनी बार प्रिंट करना होगा उतनी बार यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एलन लगा देता हूँ ताकि प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर दे नेम। चलो मैं नेम प्रिंट कर देता हूँ सचिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, फिर एलन फादर नेम प्रिंट करना है, तो मान लेते हैं सचिन के फादर का नाम है एनीथिंग शिवाय, ओके शिवाय, लेट्स टेक इट शिवाय मल्होत्रा, फाइन। देन सेमी कॉलन, फिर क्या प्रिंट करना है, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्कूल नेम, सो स्कूल ले लेते हैं हम SJD, दैट मीन्स सेंट जॉन्स DLW। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्लास प्रिंट करना है, क्लास नेम ले लेते हैं टेंथ, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, रोल नंबर, सो अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और रोल नंबर मैं ले लेता हूँ 24, फाइन, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो देखो जितनी चीज़ें हमें प्रिंट करनी थी मैंने SOP का उतनी बार यूज़ किया, बट चाहे तुम हज़ार बार SOP का यूज करो, कहाँ लिखेंगे, हम मेथड के अंदर ही लिखेंगे, मेथड के बाहर नहीं लिखेंगे, मतलब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कहाँ से कहाँ तक है, लाइन नंबर 17 से कहाँ तक, लाइन नंबर 23 तक। और ये जो मेरा मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये खुद किसके अंदर है, क्लास के अंदर है, क्लास का नाम क्या है डेमो, और क्लास कहाँ से कहाँ तक है, लाइन नंबर 15 से लाइन नंबर 24 तक। क्लियर हो गया, तो इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। सो रन करने के लिए पहले लिखेंगे जावा सी, प्रोग्राम का नाम क्या है, किस नाम से सेव है, डेमो, सो डेमो, बेसिकली ये पहले से सेव था तो मैंने सिर्फ कंट्रोल एस प्रेस कर दिया तो सेव हो गया, सो डेमो डॉट जावा, एंटर, कोई एरर नहीं है। अब रन कैसे करेंगे, जावा और फिर लिखेंगे डेमो, आ गया, देखो सचिन शिवाय मल्होत्रा SJD 10th, हमारा आउटपुट आ गया। सो होप इसमें
पहला प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर होगा, फर्स्ट दो प्रोग्राम मैंने करा दिया, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेसिक। आई नो इसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये क्लास का मतलब क्या है, आई थिंक ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, स्ट्रिंग क्या है, इस सारी चीज़ें धीरे धीरे आगे क्लियर होंगी, ठीक है, फाइन। सो आज के लिए बस इतना करते हैं, एंड इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।